औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। तो शुरू करते हैं अपना आज के ये ब्लॉग। यहीं से अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मोहम्मद सुफियान कादरी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कॉमेंट कर लें, शेयर कर लें। जी इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 3:30 के करीब, तकरीबन 3:20 हो रहे हैं। और इस वक्त मेरे सामने रखा हुआ है दोपहर का खाना। दोपहर का खाने में अंडे, आलू और रोटी, साथ घर की है, साथ पानी है, ग्लास है, और साथ साथ यहाँ कैमरे चल रहे हैं, साथ साथ लाइट्स ओपन हुई हुई हैं कमरे की बहुत सारी, तो साउसाई मतलब दो। तो अभी सीन ऐसा है, खाना खाते हैं, इंट्रो शंट्रो यहाँ हमारा हो गया है। रोज़ पाक आप पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कल वाला ब्लॉग यार अभी तक अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि हमारा नेट का इशू आ रहा था, एडिट हो चुका है। तो अभी खाना खाते खाते ब्लॉग लगा देते हैं अपलोडिंग पे। तो इंशाल्लाह भी कल वाला ब्लॉग अपलोड करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। आप जितने पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चैनल माला कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद जल्दी से खाना खा के। कहिए सुभान अल्लाह। खाना देखिए माशाल्लाह, आलू, अंडे आलू, और यहाँ खिड़की में अजमेर आ गया। ज़रा लॉक खोल देते हैं, आपको अजमेर की शक्ल वो खड़ा हुआ दरवाजे पे, अजमेर वहाँ आपको कैमरे में भी दिख रहा है, ये खड़ा हुआ अजमेर। ठीक है जी, तो हम यहाँ से लॉक ओपन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक लॉक लगा हुआ है डोर पे, और ये रखा हुआ खाना। अब खाते हैं जल्दी से खाना, अब आपसे मिलते हैं खाना खाने, लॉक अपलोड करने के लिए। भाई देखो खाने की प्लेट हो गई गायब, सिर्फ गिलास मौजूद है, खाया अपनी हुई भाई, सारे रोटी ख़त्म करी तो वो लेने गए, और सामने अजमेर आके ऊपर बैठ गया सर पे हमारे। मैंने कहा इसकी शक्ल दिखा दो। अजमेर आज कहीं जाने का प्लान है, अभी देखते हैं। आप ज़रा इसकी आवाज़ बंद कर दे भाई, वरना कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा बिला वजह हमारी वीडियो पर। खाना वाना खा लें पूरी तरीके से, फिर बात करते हैं यार आपसे। अभी कहीं नहीं जा रहे हम, यहीं हैं, यहीं हैं। तो जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हो चुका है यार, तकरीबन 4:30 बज रहे हैं, और खाना वाना खा लिया है, ब्लॉग भी अपलोड हो गया हमारा। असल में कल हम गए थे, कल वाले ब्लॉग में जो कॉन्टेंट है ना, असल में मैंने चेंज करना है मोबाइल, तो मोबाइल चेंज करने के लिए कल हम गए थे। तो फिर हमने बहुत सारे मोबाइल देखे, कल हमने 1+7 Pro देखा, 1+9 Pro देखा, वह उसके अलावा हमने iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max और 14 Pro Max, ये हमने 3-4 सेट देखे थे। अब जाहिर सी बात है प्राइसेस का बहुत फ़र्क है, अगर एक है 1 लाख रुपए का तो एक है 1.5 लाख का, तो 2 लाख का, तो एक 2.5 लाख का, वैसे काफ़ी फ़र्क है। तो बहरहाल देखते हैं क्या सेटिंग बनते हैं। जैसी बात है अमाउंट का काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है, और मुझे 1+9 Pro भी जो बात है अच्छा लगा, और प्राइस के अतबार से फिर कैमरा रिजल्ट, फिर मेमोरी 12/256, तो उस अतबार से अच्छा लगा। लेकिन आईफोन की तो अपनी क्लास है, उसका तो कंपेरिजन है नहीं, लेकिन वो महंगा है, आईफोन 12 प्रो मैक्स भी उससे महंगा है। तो बहरहाल अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या सीन है, क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी 4:30 हो रहे हैं बाहर, इस वक्त धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, आप देख सकते हैं। तो अभी बनाते हैं इरादा कहीं जाने हैं, आज भी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जाएंगे, आपके स्पेशल ब्लॉगिंग करेंगे भाई कहीं ना कहीं कॉन्टेंट। कल हम चले गए थे मोबाइल मार्केट, आज भी कहीं ना कहीं जाएंगे, अभी देखते हैं कहाँ जाना होता है। और इसके साथ साथ अभी क्योंकि कल मुझे मार्केट जाना है, कल परसों 2 दिन मार्केट जाऊँगा, अभी कल तो लास्ट में जाना है, परसों का कुछ नहीं सक सकता है, परसों भी जाना हो फ्रेस मंथ भी मार्केट जाना होगा, तो फिर मैम 2 दिन ब्लॉगिंग थोड़ी मुतासर हो जाएगी, ज़्यादा बड़ा कंटेंट मिल नहीं पाएगा। तो अभी आज चलते हैं बाहर, और अभी 4:30 होने में ज़रा फ्रेश तो हूँ, वेट करता हूँ अजमेर का, वो आ जाए या फिर फैमिली अगर जाती है तो फिर, क्योंकि अभी तक असल में कल हाई रोफ की चाबी जो गुम हुई थी वो भी नहीं मिली अभी तक, अब वो बांधवानी पड़ेगी नई चाबी, गाड़ी तो खड़ी है सामने लेकिन चाबी नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं जो भी सीन बनता है आपको बता दें, आप वेट करें, थोड़ी देर बाद पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु। तो जी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अब टाइम हो गया है यार बाहर जाने का, और इस वक्त तकरीबन टाइम हो रहा है आपको दिखा सकूँ तो मैं, इस वक्त 6:15 हो रहे हैं, और हम जा रहे हैं यार इस वक्त शॉपिंग पे। और शॉपिंग पे कैसे जाएंगे मूड घर वालों का, और आज ग्रीन बस में जाने का, अभी देखते हैं। ग्रीन बस में जाने के लिए करने से पड़ा कि पहले बाइक पे घर वालों को वहाँ लेके जाना पड़ेगा, फिर बाइक वहाँ पार्क करनी पड़ेगी, फिर वहाँ से ग्रीन बस में बैठना पड़ेगा। तो बहरहाल देखते हैं कहाँ से मंदिर, जैसा भी होता चलते हैं, और जो भी होगा जैसा भी होगा जाते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। मुझे अभी सीन ऐसा है, यहाँ से जाएंगे बाइक पे और बाइक पार्क करेंगे ग्रीन बस के स्टॉप के पास,
फिर वहाँ से हम जो है बाइक के पास, बाइक वहाँ पार्क करके फिर वहाँ से हम जाएंगे ग्रीन बस में, और फिर चलते हैं बाइक पे ग्रीन बस के स्टॉप। तो जी घर वालों को ग्रीन बस के स्टॉप पे छोड़ दिया और बाइक हमने नाना के घर पे खड़ी कर दी है। नाना का घर यहीं है हमारे, तो मेन रोड पे करीबी है, मेन रोड पर ही है। तो नाना के घर के बाहर बाइक खड़ी कर दी है, अब वो सामने ग्रीन बस का स्टॉप है। जल्दी से जाते हैं ग्रीन बस के स्टॉप पर, टिकट वगैरह लेते हैं फिर निकलते हैं। ठीक है, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ खड़े हुए इस वक्त। ये रास्ता और ये रोड का नज़ारा को दिखाते हैं। रोड वो हमारे नाना का घर कहाँ है मैं आपको बता सकता हूँ। वो बोर्ड लगा हुआ है पीछे, ये बड़ा वाला यहाँ पे घर है। तो हमने अपने बाइक वहाँ घर के पास पार्क कर दी उनके, अब हम चलते हैं। जी लिफ्ट में मौजूद हैं, चलते हैं आगे से, टिकट कहते हैं स्टैंड पे, ग्रीन बस में बैठते हैं। अभी लिफ्ट के पास मौजूद हैं, लिफ्ट आ जाए तो फिर उसके बाद हम चलते हैं। लिफ्ट आ जाए देन हम चलते हैं फिर आगे, फिर यहाँ से नीचे जाएंगे, फिर टिकट लेंगे, फिर बड़ा लंबा चौड़ कर करें भाई। सेकेंड टाइम में आया हूँ मुझे नहीं पता, चलते हैं बाकी जैसा भी होगा दिखाते रहेंगे, चलते रहेंगे भाई। नीचे आ गए हैं यार लिफ्ट से, और सामने टिकट बूथ से टिकट लेते हैं जल्दी से। भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं है, खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। अब आगे वाली लिफ्ट से टिकट ले लिए हैं, ऊपर जाएंगे देन फिर ग्रीन बस में बैठ के निकलते हैं आगे। थोड़ा इंसानों की तरह बड़ा बड़ा दबाई है। लिफ्ट से ऊपर आ चुके हैं, अब चलते हैं सामने यार, सामने वो रही जगह, वहाँ टिकट वगैरह देते हैं देन फिर बैठते हैं और फिर निकलते हैं अपनी मंजिल की जाके। टाइम तकरीबन अब मगरिब के करीब करीब ये सूरज ग्रूब हो रहा है, देखते हैं बाकी क्या होता है। ग्रीन बस में मौजूद हैं और ग्रीन बस अपने स्टॉप पर रुक जाती है बार बार। अभी इस वक्त अब पहुँचते हैं यार, मैथली जा रहे हैं, पहुँचते हैं मैथली पे, वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाकी ये है कि एक्सपीरियंस अच्छा है ग्रीन बस का, और मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है, इससे पहले बहुत मुझे का इतफाक हुआ था। तो अच्छा है, एक ऑर्गेनाइज वे है बिल्कुल, अच्छी चीज़ है। बाकी अभी चलते हैं, पहुँचते हैं फिर बाद में दिखाते हैं। बाज़ार सामने हो रहा है हैदरी का, तो चलते हैं बाज़ार पे। और अब आपसे मिलते हैं बाज़ार, यानी पहुँच के बाज़ार चलते हैं। फिलहाल अच्छा रहा सफ़र का, अच्छा सफर था, बाकी मत बातें होती रहेंगी बात। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं और मगरिब हो चुकी है, इस वक्त पहुँचने में मगरिब मगरिब के अदाने हो चुके हैं, आने होने वाली है। मगरिब का टाइम ऑलमोस्ट हो गया, वो देखें आप क्या कर सकते हैं। टू मच लेट वी आर, टू मच। हाँ तो जी पहुंच गए यार इस वक्त हैदरी मॉल, और मतलब हैदरी पहुंच चुके हैं, हैदरी वैदरी मॉल नहीं पहुंचा भाई। कि सामने वो पारी मॉल है, यहाँ आप देख सकते हैं ये शॉप हैदरी का, वो पुराने वाली मार्केट है। पर चलते हैं
बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या सीन है अभी कुछ नहीं पता। और मगरिब का टाइम भी ऑलमोस्ट हो रहा है, बाकी वॉक बनता रहेगा, बातें होती रहेंगी। पहले हम जा रहे हैं ज़रा पारी मॉल, वहाँ से हमने जो है कुछ लेना है सामान, वो लेते हैं बाकी आगे। वो रहा सामने हैदरी फूड्स, ये रहा जाने बाहर लस्सी, और भी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें। पारी मॉल जाते जाते हम यहाँ क्रॉकरी वाले भाई, क्रॉकरी वाले की शॉप पे रुके हैं, यहाँ से कुछ सामान लेना है घर का, ये लेते हैं फिर आगे चलते हैं। मॉल के अंदर मौजूद हैं, हमने यहाँ पे एक अपना अबाया दिया हुआ था उसकी ऑल्ट्रेशन के लिए, तो वो चलते हैं लेते हैं। क्या हुआ बोलो जी? सुनो जिस शॉप पर हमने अबाया दिया हुआ है ऑल्ट्रेशन के लिए, लेते हैं यहाँ से चलते। असल में यार मैं आप उन्होंने अभी हमने अबाया यहाँ से लिया है ऑल्ट्रेशन के पाके, मैं इसलिए वीडियो पर कहने लगता कि फेसेस आएंगे और फिर फीमेल स्टाफ भी होता तो अच्छा नहीं लगता, फिर अपनी फैमिली भी होती उससे अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ फ़ोन से कर आप बता दें कि यहाँ से बाया लिया ऑल्ट्रेशन का, फिर बाकी बातें बताते रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ना बताने का ना सिखाने की वजह यही होती है कि कुछ बड़े स्कूल भी होते हैं उनको भी देखना होता है, अगर फीमेल स्टाफ होता है फिर वो भी वीडियो में आ जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने इस शॉप से बाया ले लिया अपना ऑल्ट्रेशन का, तो जी हमने ये ले लिया है, इसके अंदर अब आया है और ये हसबिन नामी शख्स है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ जी। हम यहाँ से अभी पारी मॉल से बाहर आ गए हैं, अब यहाँ पे लिम्का ले रहे हैं, पीच फ्लेवर लिया है जी। ये लिम्का ड्रिंक हमने ले लिया है, ज़रा पी थोड़ा सा आदमी सामने की तरफ जाओ। ड्रिंक हमने ले ली है, ये सामने हसबिन भी खड़ा हुआ है, पीते हैं थोड़ा सा। अच्छा है यार ड्रिंक, ये फिनिश करते हैं फिर चलते हैं आगे। तो जी सामान ले लिया है, एक क्रॉकरी का सामान लिया है कुछ, तो ये भी ले लिया और बाकी ये वाया भी ले लिया, बाकी मजीद देखते हैं जो चीज़ें होंगी वो लेंगे और दिखाते रहेंगे आपको। तो जी इस वक्त फाइनली मैं नेहरी मार्केट में पहुँच गया और सामने ये कपड़े वगैरह और ये पूरी मार्केट है नेहरी की। वहाँ से आ गए पारी मॉल से, फिर बाहर से वो क्रॉकरी का सामान लिया, लिम्का पिया, यहाँ मौजूद है, बाकी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, जैसे जैसे होगा बताते रहेंगे दिखाते रहेंगे, ठीक है। अब वहाँ से होकर दूसरी शॉप पर आ गए, अब जाहिर सी बात है फैमिली के साथ ना शॉपिंग को इधर से उधर फिरना पड़ेगा, उस शॉप से यहाँ आ गए। शॉपिंग हमारी जारी हो सारी है, हमने जो है क्या क्या लिया, क्रॉकरी का सामान लेने के अलावा हमने यही की चीज़ें ले ली हैं अभी कुछ, बाकी देखते हैं आगे चलते हैं। बस भाई बाजार आने के बाद अमीर पहला काम होता है चलते जाओ, तो बस चलते जाओ, तो वही कर रहे हैं हम, चले जा रहे हैं बस। ये अब हम दुपट्टे वाले की शॉप पे मौजूद हैं, यहाँ से दुपट्टे वगैरह पसंद कर रहे हैं, देखते हैं बाकी मसीद। घूम रहे हैं यार मार्केट में अभी, हाथ में अब ये सामान है मेरे, कुछ अजमेर के पास सामान है, थक गए घूम घूम के, देखते हैं कब फ्री होते हैं। वैसे हम तकरीबन 5:45 बजे निकले थे, उस वक्त 8:30 हो गए हैं, 3.5 घंटे 4 घंटे हो गए हैं यार। अब देखो तो शॉपिंग पे निकल जाओ, हाल बुरा हो गया, क्या करना है, घूमते हैं मजे देखते जी। अब एक और दुकान पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर यहाँ पर ये भाई दिखा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर भी फिर आगे चलेंगे। अभी सूट देखे जा रहे हैं, ये सामने भाई हमें दिखा रहे हैं सूट देखे। बस अलहमदिल्ला हमारी तकरीबन सारी शॉपिंग हो गई, सिर्फ एक पैंट शर्ट लेना रह गई, सभी का पैंट शर्ट भी लेते हैं फिर निकलते हैं घर पे यार, बल्कि घर आए से पहले कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर निकलेंगे। इस वक्त अब हम पैंट वाले भाई की शॉप पर पैंट शर्ट देख रहे हैं, देखते हैं फिर आगे निकलते हैं। जी इस वक्त अलहमदिल्ला खा पी लिया है हम लोग, सॉरी खा पी होता है, इस वक्त शॉपिंग हो गई कम्प्लीट, चलते हैं कुछ खाते पीते हैं और खाने पीने के बाद फिर मजीद निकलते हैं घर के लिए। तकरीबन 9:30 हो चुके हैं और 4:30 या 5 बजे करीबन हम लोग आए थे, सही मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये है कि
टाइम ऑलरेडी हमें 4-5 घंटे हो चुके हैं, तो जल्दी से कुछ खाते पीते हैं और फिर निकलते हैं। तो जी इस वक्त मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से ना फ्लैश ऑन नहीं होगा, बिल्कुल बैटरी लो बैटरी पे। और अभी खाने के लिए बैठे हैं, खाने में हमने चिकन रोल, ये कचौरी, ये शामी बर्गर और ये अंडे वाला बर्गर, ये चार चीज़ें मंगवाई हैं। अब जल्दी से खाते हैं खाना और फिर निकलते हैं घर पे। तो जी बर्गर शर्गर खाने के बाद अब आखिर में खाते हैं गोलगप्पे और फिर कैब बुलाते हैं और निकलते हैं घर पे। वाइट कलर की कैब हमारी आ गई है, कैब हमने बुला ली है, अब चलते हैं जल्दी से घर। टाइम इस वक्त 10 बज गए, कार आ गई है, निकलते हैं और अब आपसे मिलते हैं घर पर। जी भैया पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए घर पे यार। और टाइम इस वक्त तकरीबन हो रहा है, मुझे सही दिख रहा है तो तकरीबन हो रहा है 10:45, 10:45 बज रहे हैं। और घर पहुंचते पहुंचते हमें ये टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, यानी रात के 10:45 बज गए। घर पहुंचते पहुंचते अभी घर पहुँचे, अब क्या करना है, अभी तुझ बाहर से खाना लाना पड़ेगा, कुछ खाना लाते हैं और क्या करना है, और बर्फ़ लानी है, पानी ठंडा नहीं है कूलर में, बर्फ़ लाएंगे। लेकिन मसला ये हुआ कि अजमेर बाइक ले गया और एक बाइक सुनहर लेके गया हुआ है और एक बाइक नानी है घर पे खड़ी हुई है, तो अभी वेट करते हैं बाइक आ जाए तो फिर जाते हैं, ठीक है। तो जी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हम यार, बर्फ़ वर्फ़ ले आए थे खाने में, क्योंकि घर में भी याद आ गया कि अंडे आलू बने हैं, तो फिर अंडे आलू ही खाएँगे। देर से अभी वैसे इतनी देर भूख भी नहीं हूँ कि अभी बाहर बर्गर गोलगप्पे चिकन रोली हमने खाए थे। और अभी इस वक्त सामने मेरे चाय मौजूद है, चाय आ चुकी है तो चाय पीते हैं। बाइक भी मैं ले आया हूँ नानी के घर से, जो बाइक लानी थी, अब जल्दी से पीते हैं चाय और चाय पीने के बाद फिर आपको दिखाते हैं शॉपिंग क्या करी और फिर करते हैं ब्लॉग एंड, ठीक है जी। यार अब टाइम आ गया था ब्लॉग एंड करने का, मैंने कहा चलो ब्लॉग एंड करने से पहले आपको दिखा दूँ शॉपिंग हम क्या कर गए। देखो माशाल्लाह इतनी सारी शॉपिंग हमने करी है और ये शॉपिंग ने दिखा दी, शॉपिंग करी भी है और शॉपिंग ने मुझे थका भी दिया है। देखो ना कितना ख़तरनाक जो है, पहले बाइक पे ग्रीन बस तक के स्टॉप तक गए, फिर ग्रीन बस में कुआरी इतनी मुश्किल से टिकट शिकट लिया, फिर पहुँचे, फिर पहुँचने के बाद तकरीबन 10-11-12 बज गए, अब 12 बजने वाले हैं, बजे नहीं है बजने वाले हैं। बहरहाल अगर शॉपिंग दिखा दो, हमने कुछ ग्रॉसरी के सामान की शॉपिंग करी, कुछ ग्रॉसरी रखी हुई है, कुछ ड्रेसेज हैं, सब फैमिली की शॉपिंग है, मेरा कुछ भी नहीं है भाई इसमें, ये अब आए हैं ये पैंट शर्टें हैं सब इस टाइप की चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ दिखा दूँ मछली इतनी सारी शॉपिंग, शॉपिंग ने थका दिया। और बस अब करते हैं ब्लॉग एंड, क्योंकि 11:30 हो रहे हैं और अभी साथ साथ एक नया ब्लॉग शुरू करना है, वो क्या है वो सरप्राइज है, वो जब आप अगला ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी आज का ब्लॉग करता हूँ मैं यहीं पर ही एंड, सही है। आप सूरह पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मोहम्मद सुफियान कादरी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेगा, वीडियो को लाइक कर लेगा, कमेंट कर लेगा, शेयर कर लेगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। और व्लॉग अभी ख़त्म करा है, उसकी वजह भी ये है कि अभी कुछ ही देर बाद एक नया व्लॉग शुरू करना है, उसकी वजह क्या है बाद में बताएंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।